अगर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि मैं कमजोरों की पार्टी हूं मुसलमानों की पार्टी हूं हिंदुओं की पार्टी हूं सिखों की कोई अलग अलग नाम लेकर के कहता है एक आम आदमी जाता है किसी के घर में बेटा आ जाता है सामने किसका बेटा क्या मतलब क्या उसने पैदा किया है क्या उसको उस चीज को इतना बड़ा हव्हा इन लोगों ने नदीम जावेद साहब ने क्लियर कर दिया है बुरा नहीं कहा नदीम जावेद साहब ने क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम कमजोरों की पार्टी है हम कमजोरों के साथ खड़े हुए और मुसलमान कमजोर है तो इसमें बुरा क्या है अब अगर इनकलाब अखबार ने लफ्ज हां लिख दिया है तो अब पूरे अखबार की खबर हेडलाइन में नहीं आएगी वो एक लफ्ज आएगा जिसको आप पकड़ करके तमाशा कर रहे हैं अब आ जाइए आप मोदी साहब पर देखिए आप लोगों आप लोग हैं लफ्जों के खिलाड़ी आप लोगों को हिंदू भाइयों की भावनाओं को भड़काना अच्छी तरीके से आता है लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा साहब चार साल हो गए हैं जब भूख की आग सताएगी ना हिंदू के पेट में और मुसलमान की पेट में तो वो ये नहीं देखेगा कि मोदी जी ने कितने भाषण दिए हैं कितने मुल्कों में दौरा किया वो ये देखेगा कि काम कितना हुआ है विकास कितना चार साल में कोई नई स्कीम आपने पर डिबेट नहीं है ये डिबेट है आज क्या कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है डिबेट उसी की कांग्रेस मुसलमान की भी पार्टी है कांग्रेस हिंदुओं की भी पार्टी है ठीक है है की बात आप रहे हैं ना जैसे बीजेपी हम दलितों की पार्टी है एसपी ने कहा हम यादव की पार्टी है बीजेपी कहती हम हिंदुओं की पार्टी तो क्या बीजेपी कांग्रेस है हिंदू नहीं है, यादव हिंदू नहीं है ये तो बयान दिखा दूंगा अपनी बात कह ली सब चालीस सेकंड अब अंसार जी मैंने पूरा सुना आपको अब अब जवाब सुन लीजिए देखिए अगर खुदा न खासता किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कह दिया होता ना कि हम हिंदुओं के केवल आप जानते हैं कई लोगों ने कहा है कांग्रेस से मनीष शंकर आइए फिर दौड़ दौड़ के चले जाते पाकिस्तान सर रुक जाइए अनसार साहब मुझे बोलने दीजिए मैंने आपके बीच में बिल्कुल टोका नहीं आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था टोका था आपने।, आपने भाई की बात मानी आप भी अपने भाई की बात मान लीजिए मान रहा मैं बोल लू उसके बाद आप बोल लीजिएगा नहीं थोड़ा सा एक बार वो विकास के पैदा होने पर कहा था ठीक है धन्यवाद देखिए मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी कह देते ना कि हम हिंदुओं की पार्टी है तो पता है दौड़ के मनी शंकर पाकिस्तान चले जाते और कहते हैं कि जल्दी से मोदी की सरकार को गिराओ नहीं तो वहाँ हिंदू कब्जे में सुन लीजिए अभी आपने कहा